हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, सो चलिए जिसको हम समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। सो क्यूनेट इंडिया, जो इंडिया में विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से चलता है, ये एक ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे आयर्स सभी लोग बोलते हैं कि इट्स ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे इस ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाए और मेरा व्यू रखे कि मैं क्या सोचता हूँ और कैसा होना चाहिए। सो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक कंपेयर करते हैं क्यूनेट के भी जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और नॉर्मल जो अमेजोन हुआ या फिर फ्लिपकार्ट हुआ या फिर स्विप हो गया, डॉट कॉम हुआ, मंत्रा हो गया या फिर अलीबाबा हो गया। तो ये सब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको कुछ प्रोडक्ट वगैरह वहां पे परचेस करना है, तो आपको दिखा अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो आप जाते हो डायरेक्टली उस पर रजिस्टर करते हो, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह डाल देते हो। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा उसको एड टू कार्ट करके और अपना डेबिट कार्ड हुआ या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करके प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हो या फिर नेट बैंकिंग, ठीक है, और प्रोडक्ट एक दो दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। लेकिन क्या ये सेम प्रोसेस क्यूनेट में है, उससे भी हम देखेंगे कि क्या है क्या ये सेम प्रोसेस। तो जब मैंने चेक किया तो ये जो प्रोसेस है ये सेम क्यूनेट में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। जैसे कि आप क्यूनेट के पेज पर जाकर के रजिस्टर करते हो, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह डालते हो, प्रोडक्ट जो भी आप है सिलेक्ट करते हो टू कार्ड करके, यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है ना वो आई कूपन है या फिर डिमांड ड्राफ्ट है, ये दो ही ऑप्शन है इसके अंदर। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस पे टाइम लगता है करीब करीब 2 से 3 दिन, उसके बाद जाकर के आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और फिर जाकर के वो डिलीवर होता है आपका प्रोडक्ट। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो मेरा क्वेश्चन ये था क्यों नहीं इसको ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते हैं कि डायरेक्टली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से डायरेक्टली जाकर के प्रोडक्ट को परचेस कर लिया जाए, ये ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। सो रिसेंटली जब भी मैंने क्यूनेट ज्वाइन किया था तो मुझे भी ये क्वेश्चन मेरे इंडियन आयर्स के लिए आया था, क्योंकि मैं तो मेरा वर्ड पोर्टल के ऊपर मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो मेरे जो इंडियन आयर है उन्हें ये क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करें, क्यों नहीं है ये ऑप्शन। सो मैंने अपने जो लीडर्स थे उनको भी पूछा, वी काउंसिल उनको भी पूछा, बाद में फिर एबीपी को पूछा, एसोसिएट वी पार्टनर्स। सो इसका जो जवाब था ना किसी के पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं। और ये नियर अबाउट 5 से 6 साल हो गए इसको पूछ के, पर जवाब किसी के पास आज तक नहीं मिला। सो जब भी मैं 2 बार बीकॉन में भी गया तो वहां पे भी एक जो क्यूनेट के फाउंडर है दातोश्री विजय ईश्वरन और वी पार्टनर और चीफ, सो ये सब में एक सेशन होता है रिलेटेड टू द बिजनेस। कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप एक ऑनलाइन पोर्टल होता है उसके ऊपर अपना क्वेश्चन डाल दो और वहां से क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं और उसके आंसर बोर्ड्स डिस्कशन में देते हैं। सो मैं 2 बार गया, दोनों बार मैंने ये क्वेश्चन डाला, लेकिन इसको ये क्वेश्चन को पिकअप नहीं किया गया या फिर मिस हो गया, क्या हुआ आई डोंट नो, भगवान जाने कि पर्पसली पिकअप नहीं किया गया कि उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। रिसेंटली मेरे एक आयर ने एक ईमेल डाला सपोर्ट सेंटर को, इंडिया के सपोर्ट सेंटर को, और पूछा कि मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बट आई डोंट हैव ऑप्शन टू परचेस इट। ओके, तो ये भी लिखे कि भाई आई एम सरप्राइज लास्ट 24-25 ईयर्स जो ये सेप्टेम्बर 1998 में कंपनी चालू हुई, उनके पास ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नहीं है अब तक कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि आप देखोगे कि अभी स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है, जो भी छोटे छोटे ऑनलाइन जो वेबसाइट्स डेवलप किए हुए, जैसे ये कुछ कोर्स सेल करते हैं लोग, डिजिटल मार्केटर है, उन लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए उनके खुद के पोर्टल के ऊपर ही, उनके जो वेबसाइट्स के ऊपर ही ऑप्शन से आप जाओ डायरेक्टली परचेस कर लो। जरूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी या फिर किसी और से जाकर के वाया वाया घूम करके प्रोडक्ट को परचेस करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली परचेस कर सकते हो आप जाकर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भेजा गया सपोर्ट सेंटर में तो उनका जो जो रिप्लाई आया कि वे लोग सिर्फ आई कूपन ही एक्सेप्ट करते फॉर परचेस एनी प्रोडक्ट इन अ वर्चुअल ऑफिस में, ठीक है, ये रिप्लाई आया। और उसके साथ में उन्होंने एक बैंक जो डिटेल्स है, जैसे कि अकाउंट नंबर हुआ, आईएफएससी कोड हुआ, बैंक नेम हुआ, ब्रांच का नेम हुआ, ये सब चीजें उन्होंने भेज दिया और
जब अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे तो उसका ट्रांजेक्शन का डिटेल्स और एक जो ये ई कार्ड प्रोसेसिंग फॉर्म है ये भेजो भर के। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें एक तो डीडी अमाउंट होगा या डीडी या फिर नेट बैंकिंग जो भी किया होगा वो अमाउंट यहाँ पे डाल करके, और ई कार्ड के रिक्वायरमेंट मतलब कितने का चाहिए, 20,000, 5,000, 1,000 जो ये सब चीजें आपको डाल करके भेजना पड़ता है। सो ई कार्ड्स @qnetindia.in इसके ऊपर आपको मेल करना पड़ता है ट्रांजेक्शन डिटेल्स और जो ई कार्ड फॉर्म है ये भेजे। भेजने के बाद से दो चार दिन लगता है, उसके बाद जैसे क्लियर हो जाता है ट्रांजेक्शन तो फिर जाकर के आपको आई कूपन मिल जाता है। मेरा क्वेश्चन वही है कि 3 से 4 दिन ये लंबा प्रोसेस क्यों लेके जाने का, क्यों नहीं डायरेक्टली क्यूनेट के जो वेबसाइट है, बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग का जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके क्यों नहीं दे देते। ओके, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत लोग बोलेंगे कि ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्मैजिंग ऐप है, तो ये ऐप है यहाँ पे, लेकिन इसमें आप जाओगे तो क्यूनेट के क्रेडिट कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एक मैजिक लिखा हुआ है 2023। जो क्यूनेट में है उनको पता है मैजिक इवेंट क्या होता है, और वो मैजिक 16-19 अप्रैल तक है, बैंकॉक में होने वाला है। इसमें ना ही क्यूनेट का कुछ भी नहीं है चीजें, ये एक थर्ड पार्टी मेरे ख्याल से पेमेंट कलेक्ट करने वाला एप्लीकेशन है जहाँ से पेमेंट क्यूनेट के कलेक्ट होती है। और जब आप इसके ऊपर क्यूनेट या कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन जब इसको आप मोबाइल में डाउनलोड करोगे तब जाकर के इसके प्रोडक्ट्स वगैरह दिखेंगे। आप अपना आईडी से लॉगिन करके और फिर प्रोडक्ट को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से परचेस कर सकते हैं। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि क्यों हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की क्या जरूरत है, या फिर ये इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करने की क्या जरूरत है, क्यों ना डायरेक्टली क्यूनेट के पोर्टल पे ही इंटीग्रेट कर दे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, तो डायरेक्टली पेमेंट वहां से ही परचेस कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे इसका कुछ आंसर नहीं आया है, ना मिला है मुझे। बहुत दिनों से मतलब वेट कर रहा हूँ, सालों से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी इसका आंसर नहीं आया। यदि आपके पास इसका कुछ आंसर हो तो प्लीज आप कमेंट में डालिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्यूनेट की जो मैनेजमेंट है, यदि उनमें से इस वीडियो को सेंड कर सकते हो, यदि उन लोग क्रिएट कर दे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, सो वेल एंड गुड हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यदि क्रिएट करने पे थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, स्पेशली इन पेमेंट के टर्म्स में। ठीक है, सो आप क्या सोचते हो, आपका क्या राय है इसके ऊपर, ओपिनियन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स बिल्ड द बिजनेस इथिकली, द वी।